मुंबई महानगरपालिकेवर ज्यांनी राज्य केलं त्यांनी केवळ डिपॉझिट फिक्स डिपॉझिट केले स्वतःची घरं भरली पण मुंबईकरांना त्या ठिकाणी शुद्ध पाणी देण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो जे लोग खुर्चे वे खुर्ची वसाव अ विनंती करते आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित अखिल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हम सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल जी महाराष्ट्र के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री जो अभी अभी डावोस से एक लाख पचपन हजार करोड़ के एमओयू करके आए हैं ऐसे हमारे एकनाथ शिंदे जी मंच पर उपस्थित हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण राज्य के मंत्रीगण सभी सांसद हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी मुंबई के अध्यक्ष जी सभी महानुभाव और यहाँ विराट संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों मैं सबसे पहले आप सब लोगों की ओर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं महाराष्ट्र मुंबई ऐसी वती आदरणीय मोदी जी ठिकाणी में स्वागत करतो प्रधानमंत्री जी आप तो हर जगह लोकप्रिय है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि लोकप्रियता की कोई कंपटीशन होगी तो आपकी लोकप्रियता में नंबर वन पर मुंबई होगा यह मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इतना प्रेम मुंबई करो का आपके ऊपर है और मुझे याद है 2019 में आपने यहां से ही कहा था कि पांच साल की डबल इंजन सरकार ने महाराष्ट्र को बदला है और फिर एक बार डबल इंजन की सरकार लाइए आपके शब्द पर विश्वास रख के महाराष्ट्र की जनता ने डबल इंजन की सरकार लाई लेकिन कुछ लोगों ने बेईमानी की इसलिए ढाई साल जनता के मन की सरकार नहीं बन पाई लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के सच्चे अनुयायी एकनाथ शिंदे जी ने हिम्मत की और आपके आशीर्वाद से फिर एक बार महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के जन 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 के मन मन की सरकार यहां पर तैयार हुई और फिर एक बार महाराष्ट्र विकास की दृष्टि से जोरों से भागने लगा आज कई कार्यक्रमों का उद्घाटन भूमि पूजन हम करने वाले हैं लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज होगी तो प्रधानमंत्री स्वनिधि का कार्यक्रम राजनीति कैसी होती है कोविड के समय प्रधानमंत्री जी ने रेहड़ी पटरी वाले फुटपाथ दुकानदार हाथ ठेले वाले पान ठेले वाले सभी का विचार करके उनके लिए स्वनिधि की रचना की लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय हुआ कि ये जो गरीबों को पैसे मिलने वाले हैं इस योजना को स्थगित किया जाता है इसको लागू नहीं किया जाएगा और महाराष्ट्र के जो गरीब लोग थे फुटपाथ दुकानदार थे फेरी वाले थे उनको रोक दिया गया लेकिन वापस सरकार आने के बाद यहां पर हमने हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक की और उस बैठक में हमने यह तय किया कि मुंबई में एक लाख रेडी पटरी वालों को फुटपाथ दुकानदारों को फेरी वालों को हम लोग स्वनिधि बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि एक लाख का आंकड़ा पार करके एक लाख पंद्रह हजार तक हम लोग पहुंचे हैं हे जे छोटे छोटे फेरी वाले हैं फुटपाथ दुकानदार हैं या सगड़ना आज या ठिकाणी स्वनिधीचा पैसा मिळतोय आणि जसा मुंबईत मिळतोय तसा आता इतर ठिकाणी देखील हा या ठिकाणी मिळणार आहे आज माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते हे काम आपण करतोय मुझे इस बात की बहुत खुशी है प्रधानमंत्री जी शायद आप अकेले ऐसे प्रधानमंत्री होगे की जिन्होंने जिन जिन योजनाओं का भूमि पूजन किया उन उन योजनाओं के उद्घाटन को भी आप ही उपस्थित हैं आज ये जो मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है 35 फाइव किलोमीटर 35 किलोमीटर मेट्रो सात मेट्रो टू है, इसका भूमि पूजन भी आपने किया था और उद्घाटन भी आप कर रहे हैं यह नया कल्चर इस भारत में और महाराष्ट्र में आपके कारण आया है मैं इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं सबसे महत्व की बात आज मुंबई करता एस टी पी मुंबई सारखं इतकं महत्त्वाचं शहर या शहरामध्ये रोज हजारो हजारो नाही करोडो करोडो लिटर पाणी ट्रीट न करता कुठली प्रक्रिया न करता आम्ही समुद्रात सोडत होतो हा समुद्राचा वास समुद्राची घाळ ही त्याच्यामुळे होती वीस वीस पंचवीस पंचवीस वर्ष मुंबई महानगरपालिकेवर ज्यांनी राज्य केलं त्यांनी केवळ डिपॉझिट फिक्स डिपॉझिट केले स्वतःची घरं भरली पण मुंबईकरांना त्या ठिकाणी शुद्ध पाणी देण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही पण या ठिकाणी मी मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस महानगरपालिकेला सांगितलं हे पाणी असं सोडता येणार नाही तुम्हाला एस टी पी तयार करावे लागतील महानगरपालिकेने सांगितलं एस टी पी तर आम्ही तयार करू पण एस टी पी कुठल्या नॉन्सनी तयार करायचे हेच आम्हाला माहिती नाही मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के पास गया और मैंने निवेदन किया कि समुद्र में अगर डिस्चार्ज करना है तो कौन से लेवल का पानी चाहिए इसके डिस्चार्ज नाम तैयार करने पड़ेंगे और एक साल के भीतर भीतर मोदी जी की सरकार ने डिस्चार्ज नाम तैयार करके मुंबई महानगर पालिका को दिए कि अब देखिए ये सारे नॉर्म तैयार है अब गंदा पानी मत छोड़िए लेकिन साहब उसके बाद भी तीन साल तक मुंबई महानगर पालिका ये काम इसलिए नहीं कर पाई करने वाले नहीं थे ऐसा नहीं था करने वाले थे लेकिन इनका उनसे जम नहीं रहा था काय जमत न ना हा वो जम नहीं रहा था और इसलिए हिस्सेदारी नहीं मिली इसलिए उसको नहीं किया गया लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में हमने उसको गति दी और गति के साथ उसको पूरा करने का काम अभी हो रहा है आज उसका शिलान्यास माननीय मोदी जी के हाथों से हो रहा है और यह केवल और केवल मोदी जी आपकी सरकार के कारण संभव हुआ है इसलिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं साथ, साथ छह हजार करोड़ के रास्ते किसी ने प्रश्न पूछा कंक्रीट के रोड क्यों बनाते हो वो इसलिए बना रहे कि चार साल पहले जब हमने मुंबई के रास्तों का परीक्षण किया था तो ध्यान में आया कि इन रास्तों में नीचे की लेयर ही गायब है इस प्रकार का भ्रष्टाचार हर साल वही रास्ते हर साल वही रास्ते अब हमने तय किया नहीं ऐसे रास्ते बनाएंगे 40 साल एक गड्ढा भी उस रास्ते पर नहीं पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया उसका भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तीन हॉस्पिटल का शिलान्यास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं मुंबई की पहचान क्या है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा जो स्टेशन है मध्य रेलवे का जो स्टेशन है वो मुंबई की पहचान है और मुंबई की इस पहचान को पुनर्परिभाषित करने के लिए उसके विकास का आपने कार्यक्रम हाथ में लिया और एक बहुत ही सुंदर बहुत ही आइकॉनिक इस प्रकार का सीएसटी रेलवे स्टेशन फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में हमको मिल रहा है और उसका भी भूमि पूजन आज हो रहा है मैं मुंबई की जनता आपको सुनना चाहती है आपका आशीर्वाद चाहती है आपके आशीर्वाद से हमने धारावी का भी टेंडर मंजूर कर लिया है एक लाख लोगों को घरों को पुनर्वसित करने का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और केवल आपने रेलवे की लैंड दी इसलिए कार्यक्रम हम हम कर पा रहे जल्दी ही उसके भी भूमि पूजन के लिए आपको हम बुलाएंगे और प्रधानमंत्री जी उसमें आपका बहुत आशीर्वाद हमको लगेगा उसके लिए भी आपको हम निमंत्रित करेंगे मैं इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुंबई की जनता की ओर से महाराष्ट्र की सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं जय हिंद जय जै महाराष्ट्र